एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, देखो हमारे पास फॉर्मूले प्लस वन में हमने ये फॉर्मूले किए हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। ऐसे करते इसमें हम x को साइन थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, थीटा बन जाएगा यहाँ पर, साइन इतना रहेगा साइन इनवर्स एक्स, दिस मीन ये हमने पुट किया। ठीक है, इसमें वो थीटा बन गया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स बटे एक्सिस, एक्स हमने क्या पुट किया साइन थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा, ठीक है, साथ में ये देखो 4, देखो 3 साइन थीटा 4 क्या बन गया यहाँ पर साइन क्यू थीटा। हमने एक्स को साइन थीटा पुट किया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, राइट। ये बन गया फॉर्मूला हमारे पास साइन 3 थीटा। ओके, देखो हमारे पास क्या है कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या यहाँ पर आ गया 3 थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, राइट। थीटा वैल्यू यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स, तो हमारे पास देखो इक्वल टू क्या यहाँ पर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। सेम क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड कोज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x पुट x इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ना 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो हमने थीटा यहाँ पर आएगा इधर आएगा कोज इनवर्स x, ये बन गया x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर कोस क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस एक्स यहाँ कितना है कोस थीटा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 4 कोस क्यूब थीटा माइनस एक्स यहाँ पर कोस थीटा, ये बन गया कोस इनवर्स, व्हाट इज दिस फॉर्मूला इज, ये प्लस वन में किया हुआ है कोस 3 थीटा, कोस इनवर्स और कोस कट गया यहाँ पर आ गया 3 थीटा, एंड थीटा इज कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या हमारे पास है हमारा यहाँ से देखो हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, हमारा आंसर क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले जो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हमें ना, रूट को पहले हमने ख़त्म करना है, तो मैंने यहाँ बताया कि अगर रूट वन माइनस एक्स के रहेगा तो एक्स को साइन थीटा पुट करो, रूट वन प्लस एक्स के रहेगा तो एक्स को टेन थीटा पुट करो, रूट एक्स के माइनस वन इक्वल टू अगर रूट में एक्स के माइनस वन आएगा तो एक्स को सीकेंट थीटा पुट करो, राइट। इससे हमारा रूट हट जाएगा, तो देखो ये किससे मिलता है रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलता है सेकेंड वाले से, एक्स को पुट करेंगे टेन थीटा, राइट, पुट एक्स इक्वल टू टैन थीटा, तो टैन इधर आएगा क्या बन जाएगा टैन इनवर्स एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा टैन इनवर्स एक्स, राइट। हमने क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को पुट करना हमने टैन थीटा, एक्स यहाँ पर आ गया टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक्स इज टैन थीटा, और नोट करना कि वन प्लस जो टैन स्क्वायर होता है हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन प्लस टैन स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन यहाँ कितना आएगा टैन थीटा, राइट, ये बन जाएगा टैन, यहाँ कर लो फिर
यहाँ पर आ गया टैन इनवर्स सीकेंस स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है सीकेंस स्क्वायर ये कट गया, सीकेंस कैसे रूट कट गया हमारे पास, क्या आ गया यहाँ पर सीकेंट थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा जो सीकेंट हमारे पास होता है वो होता है वन ओवर कोस, एंड टैन इज सीकेंट होता है वन ओवर कोस, टैन इज साइन अपॉन कोस राइट ठीक है सिंपल, टैन इनवर्स इसका एलसीएम आ गया कोस थीटा, वन माइनस कोस इधर आ गया साइन अपॉन कोस थीटा इससे कट गया, ये आ गया टैन इनवर्स बनेगा टैन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है। आगे हमने फॉर्मूले पता हमें इसको रब कर देते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होते हैं वन माइनस कोस थीटा हमारे पास होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एंड साइन थीटा हमें पता है कि टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू ठीक है। ये फॉर्मूला हमने किए प्लस वन में, वन माइनस कोस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये बन जाएगा वन माइनस कोस इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एंड साइन थीटा इज टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू ठीक है। ये कट गया हमारे पास, एक साइन ये स्केयर था ये कट गया एक ठीक है, दो था ना यहाँ पर टू ये कट गया ठीक है, इसके साथ साइन स्केयर था हमारे पास एक साइन कट गया, ये आ गया साइन थीटा बाई टू अपॉन राइट उसके बाद साइन ऑफ कोस इज टैन थीटा बाई टू, टैन इनवर्स से टैन कट गया कितना यहाँ पर आया थीटा बाई टू, एंड व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज थीटा की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है टैन इनवर्स एक्स वन बाई टू थीटा गया यहाँ पर आएगा टैन इनवर्स एक्स, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये वाली बन गई ठीक है, टू बार निकाल लिया और थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर है टैन इनवर्स एक्स, तो वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी राइट द फॉलोइंग इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 6, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है वन अपॉन रूट एक्स के माइनस वन, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर रूट एक्स के माइनस वन सेकेंड नंबर पे है हमारे पास, तो इन दिस केस एक्स को हमें पुट करना है सेकंड थीटा ठीक है, देखो सेम है रूट एक्स केयर माइनस वन रूट एक्स केयर माइनस वन, तो ऐसे करेंगे एक्स को लिखना हमने सेकंड थीटा, थीटा बन गया यहाँ पर सेकंड इनवर्स एक्स राइट, एक्स को पुट किया सेकंड थीटा सेकंड इधर आ गया सेकंड इनवर्स एक्स, अब देखो हमारे पास क्या है वन अपॉन यहाँ पर एक्स है वहाँ पुट करेंगे हम स्केयर है ना एक्स स्केयर माइनस वन, एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर है सीकन थीटा वन अपॉन सीकन स्केयर थीटा माइनस वन हो गया ठीक है, सीकन स्केयर थीटा माइनस वन, और आपको ये मालूम है कि सीकन स्केयर थीटा माइनस वन क्या होता है हमारे पास टैन स्केयर थीटा ठीक है, तो ऐसे करेंगे ये बन गया हमारे पास टैन इनवर्स वन अपॉन इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो ठीक है, वन अपॉन सीकेंस स्क्वायर माने वन इज टैन स्क्वायर थीटा ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में डालो कोई टेंशन नहीं इसमें ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आएगा
ये स्केयर रूट से स्केयर कट गया ना, तो क्या गया, 1 ओवर टेन थीटा आ गया यहाँ पर। 1 ओवर टेन इज कोट, 1 ओवर टेन इज कोट। और देखिए कटिंग कैसे होगी, कोट को चेंज करना पड़ेगा। आपको ये पता है कि टेन 90 माइनस थीटा क्या था हमारे पास, कोट थीटा, ठीक है। तो कोट की वैल्यू, कोट को लिख सकते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा। कोट को चेंज करा मैं, ठीक है, ये बनेगा टेन 90 माइनस राइट, कोड को मैंने लिखा है टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। टेन का बन जाता है कोड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोड को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे टेन इनवर्स और टेन कट गया, क्या आया यहाँ पर, पाई बाई टू माइनस थीटा। टेन इनवर्स और टेन कट गया, ये आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा। एंड थीटा इज, थीटा इज, थीटा हमारे पास है, चेक करो स्टार्टिंग में, एक्स सीकन थीटा था हमारे पास, सीकन थीटा आ गया सीकन इनवर्स एक्स, थीटा इज सीकन इनवर्स एक्स, थीटा इज सीकन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, पाई बाय टू माइनस सीकन इनवर्स एक्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन 7, देखो सारे फॉर्मूले प्लस वन के यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान से रहा करना। क्या इसमें में इसको भी सिंपल फॉर्म में लिखना, हमने सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो आप। 1 माने कोज एक्स इज 2 साइन स्क्वेयर एक्स पे 2, 2 साइन स्क्वेयर एक्स पे 2। 1 प्लस कोज एक्स इज 2 कोज स्क्वेयर एक्स पे 2, ठीक है। मीन होता कि रूट से बाहर आना, ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वेयर ओवर कोज स्क्वेयर इज टेन स्क्वेयर एक्स पे 2। देखो ये स्क्वेयर था हमारे पास, ये रूट से कट गया, ये बन गया टेन एक्स बाय टू। तो टेन इनवर्स से टेन कट गया, कितना यहाँ पर आ गया, ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल करा के मैंने फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एक्स वगैरह होता तो हम उसको पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुट करने की हमें जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें 1 माइनस कोस का फॉर्मूला पता है और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन 8 बेटा, देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए कि जब भी ना हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा पैटर्न आए, बार टेन इनवर्स हो, तो जो भी डिनोमिनेटर में लेफ्ट कॉर्नर पे जो वैल्यू होती है, जैसे कोज एक्स है, उसके साथ हर एक वैल्यू को डिवाइड कर दो, हर एक वैल्यू को, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन नाम से हो जाएगा, तो लेफ्ट कॉर्नर वैल्यू कौन सी है, कोज एक्स, तो हर एक वैल्यू को कोज एक्स से डिवाइड कर दो, कोज एक्स अपॉन क्या आएगा, कोज एक्स, ठीक है। कोज एक्स से कट गया, ये कट गया, 1 आ गया, साइन ऑफ कोजेस टेन एक्स, 1 आ गया साइन ऑफ कोजेस टेन एक्स। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ, देखो 1 माइनस टेन एक्स, 1 पर टेन एक्स इज टेन 5/4 माइनस एक्स, ये बन गया हमारे पास टेन, इसका फॉर्मूला आपके सामने है, ये बन जाएगा टेन 5/4 माइनस एक्स। टेन इनवर्स से टेन कट गया, क्या आ गया, 5/4 माइनस एक्स, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने पहले, टेन इनवर्स से टेन कट गया। एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी सेम क्वेश्चन एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई करनी है, आपको मालूम है कि कोज एक्स का फॉर्मूला क्या था, बताओ, कोज स्क्वेयर एक्स पे 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स पे 2, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास जो कोज एक्स, हमारे पास आएगा कोज स्क्वेयर एक्स पे 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स पे 2, ठीक है। और साइन एक्स हमारे पास होता है 2 साइन एक्स पे 2 कोज एक्स पे 2, मीन यहाँ पर क्या करना, आपने माइनस
साइन एक्स होता है टू साइन एक्स पे टू कोज एक्स पे टू, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो वन की वैल्यू होती है हमारे पास होती है कोस स्क्र एक्स प्लस साइंस स्क्र एक्स, या फिर साइंस स्क्र एक्स प्लस कोस स्क्र एक्स, ठीक है, बात एक ही है। और वन की वैल्यू अगर हमारे पास हाफ एंगल है तो ऐसे कर सकते हैं कि एंगल यहाँ पर है हाफ एंगल कर लो, कोस स्क्र एक्स पे टू प्लस साइंस स्क्र एक्स पे टू, ठीक है। वन की वैल्यू देखो जो वन हमारे पास क्या आएगा कोस स्क्र, ये तो साइन एक्स हो गया ना हमारे पास, वन जो हमारे पास दिया उसकी वैल्यू कितनी है कोस स्क्र एक्स पे टू प्लस साइन स्क्र एक्स पे टू, ठीक है। कोस को पहले लिखेंगे, कोस पहले लेना यहाँ पर साइन बाद में, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर कोस एक्स पे टू का स्क्वायर बन गया ये, साइन एक्स पे टू का स्क्वायर बन गया, राइट। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, ए पहले को हो जाएगा ना, इंटू बी, ये बन गया हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना यहाँ पर आ गया कोज एक्स पे टू, बीच में माइनस आएगा माइनस साइन एक्स पे टू, ठीक है। इससे में कट गया हमारे पास ये दो से हमारे पास एक ये पूरा कट गया इसके साथ, ठीक है, राइट। कोज एक्स पे टू माइनस साइन एक्स पे टू, ठीक है, ये कट गया हमारे पास। उसके बाद ये बन गया कोज एक्स पे टू प्लस साइन एक्स पे टू कोज एक्स पे टू माइनस साइन एक्स पे टू, राइट। देखो हमारे पास सेम वही टाइप बन गई हमारे पास कि जो लेफ्ट कॉर्नर में जो हमारे पास है वैल्यू ये वहाँ टैन इनवर्स लगा हुआ है, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू को, ठीक है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोज एक्स पे टू, कोज एक्स पे टू अपॉन क्या यहाँ पर आएगा कोज एक्स पे टू साइन एक्स पे टू अपॉन क्या आएगा कोज एक्स पे टू, ठीक है, कोज एक्स पे टू कोज एक्स पे टू, ठीक है, ये कट गया हमारे पास। ये आएगा टेन इनवर्स, ये कट गया हमारे पास वन प्लस क्या कितना आया साइन ऑफ कोज इज टेन एक्स पे टू, वन माइनस देखो वन साइन ऑफ कोज इज टेन एक्स पे टू, वन हो गया वन माइनस यहाँ पर कितना आएगा टेन एक्स पे टू, ठीक है। आपने फॉर्मूला सुना होगा ये वाला वन माइनस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा क्या था हमारे पास टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा, ये बन गया हमारे पास। अब थीटा हमारे पास क्या आया वन प्लस वन माइनस प्लस है वन प्लस कर लो फिर ये माइनस ये आएगा प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस ऊपर है हमारे पास, ये बन जाएगा टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा। देखो हमारे पास क्या है वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा होता है हमारे पास टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्स पे टू, कितना हमारे पास एक्स पे टू, ठीक है।
वन प्लस टेन एक्स बाई टू, वन माइनस टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, एक्स बाई टू, टेन इनवर्स से टेन कट गया, ये कट गया, हमारे पास क्या आंसर आया, पाई बाय फोर प्लस क्या आएगा, एक्स बाई टू, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नाइन देखिए, हमारे पास ये रूट में आ गया, तो हमने करना है कि रूट ये मिलता है इसके साथ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए है, यहाँ पर वन है, ठीक है। यहाँ पर पुट करना हमने एक्स को साइन थीटा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ पर वन है, यहाँ पर ए है, बस इतना फ़र्क है, तो यहाँ पर ए लगा लो बस, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए आ गया यहाँ पर साइन थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स, ए इधर आ गया ना, एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन के इधर आके साइन इनवर्स बन गया, राइट, ये बन गया हमारे पास, और ये एक्सिस ए साइन थीटा ए स्क्वायर, एक्सिस ए साइन थीटा का स्क्वायर, राइट, यहाँ भी एक्स वहाँ पर आ गया ए साइन थीटा। उसके बाद ये बन गया हमारे पास टैन इनवर्स ए साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा ए स्क्वायर इज, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाली हमने, वन मैंने यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर में से रूट में से ए बार आ जाएगा, वही अंदर आ गया वन माइनस, यहाँ से कर लो पहले, ये बनेगा ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा रूट से देखो ए बार आ जाएगा, ए स्क्वायर में से ए बार आएगा, कोस स्क्वायर में से कोस बार आएगा, ठीक है, राइट। ये बन गया हमारे पास साइन ऑफ कोस इज टैन थीटा, और ये टैन इनवर्स से टैन थीटा कट गया, थीटा गया हमारे, थीटा वैल्यू मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, देखो टैन इनवर्स से टैन कट गया, थीटा हमारे पास क्या है टैन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। तो मेन होता है क्वेश्चन में कि रूट से बाहर निकालना, राइट, रूट से बाहर आया क्वेश्चन हमारा तो फिर इजी हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन टेन इज एक्स आई टू पॉइंट टू, देखो हमारे पास मैंने बोला कि जब भी टेन इनवर्स आएगा तो आपने करना क्या था कि लेफ्ट कॉर्नर पे जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, कौन सी वैल्यू, यहाँ पर देखो ए क्यूब, तो हर एक वैल्यू को ए क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, राइट। टेन इनवर्स थ्री, देखो इसको जो वैल्यू यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट कॉर्नर पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसके साथ हमने डिवाइड करना, देखो तो ऐसे करेंगे थ्री ए स्क्वायर एक्स अपॉन कितना यहाँ पर है ए क्यूब आएगा, एक्स क्यूब अपॉन कितना यहाँ पर आएगा ए क्यूब, ए क्यूब अपॉन, ठीक है, इसको भी ए क्यूब से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए क्यूब से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए क्यूब से डिवाइड करेंगे और इसको भी ए क्यूब से डिवाइड करेंगे, राइट। ये हमारे पास आ गया, देखो ए स्क्वायर से ए क्यूब से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पर एक ए रह गया बस, ये बन गया थ्री एक्स अपॉन ए, नो दिस स्टेप, सिर्फ यहाँ पर ए रहेगा, ये बन जाएगा एक्स अपॉन ए, राइट, क्यूब ये कट गया, ये आ गया वन थ्री
एक ए देखो कट गया हमारे पास, क्या आ गया एक्स अपॉन ए का क्या आएगा स्केयर आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा ए स्केयर आएगा ना, ए कट जाएगा एक्स ओवर ए का होल स्केयर हो गया। ठीक है तो देखो फॉर्मूला नोट करो, ये फॉर्मूला ऐसे मिलता है। वैसे करते हैं इसको हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है थीटा बन गया यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये बन जाएगा हमारे पास देखो टेन इनवर्स, इसकी वैल्यू मैंने पुट की है टेन थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन राइट, ये बन गया टेन क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू है टेन थीटा। ठीक है वन माइनस थ्री ये स्केयर है, ये बन गया टेन स्केयर थीटा। नोट दिस स्टेप। ठीक है मैंने क्या किया, हमने वैल्यू पुट की सिर्फ एक्स और ए को, एक्स ओवर ए को हमने टेन थीटा पुट किया, ये बन गया टी थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन स्केयर थीटा। ठीक है ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, इट इज़ टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स से टेन कट गया कितना पर आया थ्री थीटा। ठीक है थीटा इज ये लिखा मैंने टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है थीटा वैल्यू हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए।